नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी बंगाल के संस्कार पर मचे सियासत की, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। हालांकि आज पूरे दिन असम और बंगाल के उनके दौरे की चर्चा होती रही। बंगाल दौरे के दौरान मां माटी और मानुष को लेकर चुन चुन कर ममता बनर्जी की सरकार पर प्रधानमंत्री की ओर से हमला बोला गया, जो जांच की आंच इस वक्त ममता बनर्जी के परिवार के ऊपर देखी जा रही है। उस पर पीएम ने क्या कहा, यह आपको बताएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या अभिषेक बनर्जी के ऊपर जिस तरह की जांच का दायरा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उसने ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। ये पूरा का पूरा मामला क्या है, एक एक करके आज हम आपको बताने वाले हैं स्पेशल रिपोर्ट में। बंगाल में बीजेपी का तीन पत्ती वाला दांव, बंगाल की सत्ता में बीजेपी का अभिषेक प्लान। क्या बीजेपी ने तुरूप का इक्का चल दिया? आखिर रुजिरा और मेनका का कनेक्शन क्या है? क्या भतीजे अभिषेक हैं ममता की कमजोर नस? बंगाल चुनाव में अभिषेक फैक्टर का चैप्टर। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक का टॉप सीक्रेट। रुजिरा नरूला, मेनका गंभीर, ये दो नाम जो ममता बनर्जी के परिवार से जुड़े हुए हैं, इन दोनों को सीबीआई ने नोटिस भेजा है। रुजिरा नरूला जो कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी है, इनका और कोयला घोटाले का क्या है कनेक्शन? वहीं दूसरी तरफ मेनका गंभीर का रोल क्या है और इनका अभिषेक बनर्जी से क्या है रिश्ता? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब न सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। आखिर ये दो नाम सीबीआई के घेरे में कैसे आए और इन दोनों का इस पूरे के पूरे घोटाले से क्या है कनेक्शन, अब वो जानिए। क्या बीजेपी को बंगाल की सत्ता में अभिषेक का रास्ता मिल गया? क्या जांच के चक्रव्यूह से ममता एंड फैमिली की मुश्किलें बढ़ गईं? चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी की फैमिली की कौन सी फाइल खुल गई? सीक्रेट फाइल में ऐसा क्या है जिसे बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है? बंगाल में चुनाव की डेट आने वाली है, लेकिन उससे पहले सियासी अखाड़े में दांव पेच का खेल फुल स्पीड में चल रहा है। अचानक पूरी राजनीति कुछ किरदारों के बीच घूमने लगी। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं सबूतों के साथ। सबसे पहले आप तीन किरदारों का बायोडेटा सुनिए जो बंगाल के होने वाले चुनाव में सियासी युद्ध के चलते हॉट टॉपिक है। किरदार नंबर एक, नाम अभिषेक बनर्जी, रिश्ता ममता बनर्जी के भतीजे, पहचान टीएमसी में नंबर दो। किरदार नंबर दो, नाम रुजिरा बनर्जी, रिश्ता अभिषेक की पत्नी है, पहचान है ममता बनर्जी की बहू के तौर पर। किरदार नंबर तीन है मेनका गंभीर, इनका रिश्ता है रुजिरा की बहन है और पहचान ये कि अभिषेक बनर्जी की साली। इनमें से दो किरदार यानी रुजिरा और मेनका के सुर्खियों में आने की वजह है कोयला घोटाले को लेकर सीबीआई का शिकंजा। सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी और साली को पूछताछ का नोटिस भेजा। आज मेनका से सीबीआई की टीम ने पूछताछ की तो रुजिरा 23 फरवरी यानी कल सीबीआई की पूछताछ के लिए तैयार है। लेकिन पूछताछ से पहले रुजिरा ने क्या कहा, ये सुनिए। मुझे 21 फरवरी को आपका नोटिस मिला। मुझे पता चला कि 21 फरवरी को दोपहर करीब 2 बजे आपकी टीम ने मुझे पूछताछ के लिए नोटिस दिया था, लेकिन उस वक्त मैं घर पर मौजूद नहीं थी। हालांकि अभी भी मैं इस बात से अनभिज्ञ हूं कि मुझे पूछताछ के लिए क्यों बुलाया जा रहा है।
हम आपको इस केस की एक एक डिटेल बताएं, उससे पहले आपको सीबीआई नोटिस की टाइमिंग को लेकर बंगाल में जुबानी फाइट की झांकी देखनी है। ये संस्था जो है ये कार्रवाई कर रही है, इसके बारे में आपको टिप्पणी नहीं करेंगे। इस देश में लॉ है, आईन जो है उसके रास्ते में चलेंगे, और कान अगर पकड़ के आप खींचेंगे तो माथा तक तो पहुंचेगी, वही हुआ है, बंगाल भी यही चाहती है। लेकिन देखने वाली बात है कि यहाँ से अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो कहाँ तक पहुँचती है। यदि कोयला पाचार कांडे जड़ी थे पढ़ाते ही पड़े नोटिस भी है, हमारा देखो जरा निरपेक्ष तदंत है, কিন্তু এটা তো দেখবো যে হ্যাঁ কোনো অপরাধী যেন নিষ্কৃতিও না পাই, আমি এটার মধ্যে কোনো কিছু অবাক হওয়ার মতো কিছু দেখছি না। কারণ বঙ্গাল কি সিয়াসি ফাইট কে সেন্টার পয়েন্ট মে মমতা ব্যানার্জি কে ভতিজে অভিষেক ব্যানার্জি আজ বঙ্গাল মে টিএমসি কে সিনিয়র লিডার্স কা পার্টি ছোড়না হো ইয়া ফির মমতা রাজ মে ভ্রষ্টাচার কে আরোপ সভি কে পিছে এক হি নাম গুঞ্জ রাহা হ্যায় যানি অভিষেক ব্যানার্জি। তো কিয়া অভিষেক পর আনে ওয়ালে দিনো মে শিকঞ্জে কি আঁচ মমতা ব্যানার্জি তক পৌঁছ সকতি হ্যায়, इसे आप जांच वाली रोड के स्टॉपेज वाले ग्राफिक से समझिए। अभी जांच वाली सड़क पर सीबीआई अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा के घर तक पहुंची है। आरोप दो है, पहला कोयला घोटाले में रोल की बात, दूसरा रुजिरा की नागरिकता। जांच की यही सड़क रुजिरा से होते हुए उनकी बहन यानी अभिषेक की साली मेनका गंभीर तक पहुँच चुकी है। इसके बाद पूछताछ की यही सड़क अभिषेक बनर्जी तक पहुँच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जांच का आखिरी स्टॉपेज ममता बनर्जी पर खत्म हो सकता है, क्योंकि रुजिरा इससे पहले गोल्ड स्मगलिंग केस में फंस चुकी है, तब भी ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक ही विपक्ष के निशाने पर थे। कुछ नहीं है इसमें दखलदारी का करने का कोई सवाल ही नहीं है। सीबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक अनुशासित बॉडी है, इसका काम करने देना चाहिए। लेकिन हम लोग का ये देखिए, यहाँ सबको मालूम है एक कुल स्मगलिंग, सैंड स्मगलिंग, स्टोन स्मगलिंग और गाऊ तस्करी, गाय का तस्करी, इस सभी में गोलाबाज भाई को और उसकी एसोसिएट सब जुड़ा हुआ है, ये सबका मालूम है। तो हाथे एजेंसी गुलो आछे जारा जादेर कोड़ा चोर बोले छिलो, जादेर भाग बोले छिलो, तादेरी तो देखछी ओदेर मंत्रीदेर पाशे पाशे घुरे बेड़ाच्छे। ता मानुष सीबीआई बोलुन, ईडी बोलुन, ইনকাম ট্যাক্স বলুন, এগুলো সবাই জেনে গেছে, এগুলো আর নিরপেক্ষ বলে কিছু নেই, এগুলো সব বিজেপির অফিস হয়ে গেছে। আরোপ সিফ বয়ানো তক সীমিত নহি, বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী নে সিধা হামলা বলতে হুয়ে লেনদেন কে ডকুমেন্ট কো টুইট কিয়া। আরোপ কে মুতাবিক কোয়লা ঘোটালে কি যাঞ্চ কে দৌরান সিবিআই কো পতা চলা হ্যায় কি ইয়ে মামলা বঙ্গাল মে কোয়লা তস্করি সে অবৈধ কমাই কি যাঞ্চ কা হ্যায়। পিছলে সাল সে সিবিআই ইসকি ছানবিন কর রহি হ্যায়। কোয়লা তস্করি কে কিংপিন অনুপ লালা কে কুছ ট্রানজ্যাকশন সে अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर शक हुआ। यह आरोप है कि अनूप लाला ने कुछ ट्रांजैक्शन अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरुला बनर्जी के बैंक अकाउंट में किए, जो बैंक अकाउंट विदेश में है। ये सब साफ करने के लिए ही सीबीआई उनसे पूछताछ के लिए पहुंची। रुजिरा बनर्जी का जो किरदार है, जो रोल है, जो सीबीआई कह रही है कि शी अपीयर्स टू बी फैक्ट ऑफ द केस, जो कि कोल स्मगलिंग केस है, उसी के अंडर ये नोटिस सर्व किया गया। लेकिन इस नोटिस के पीछे सियासी खेल के बड़े आरोप लग रहे हैं। सीबीआई एंड ईडी, दे ट्राइंग टू यूज देयर एलाइज टू ब्राउबीट, टू थ्रेटन, टू प्रेशराइज द टीएमसी व्हिच इज देयर मेन ओपोनेंट। सीबीआई का शिकंजा कसा तो ममता एंड फैमिली की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि पूछताछ का अगला नंबर ममता बनर्जी के बाद टीएमसी में नंबर दो यानी अभिषेक बनर्जी का होगा। बीजेपी पहले दिन से ममता को घेरने के लिए अभिषेक पर हमलावर है, क्योंकि ममता स्टाइल राजनीति में यही एक चैप्टर ऐसा है जो टीएमसी में बिखराव और बीजेपी के बदलाव वाले प्लान का मुख्य कैरेक्टर बन चुका है। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। बंगाल में बिछी सियासी बिसात पर टीएमसी और बीजेपी के नेता एक दूसरे को मात देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। निशाने पर ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़े बड़े सूरमा और किरदार बंगाल की सियासत से इस वक्त गायब नजर आ रहे हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, लेफ्ट पार्टी के नेता सुर्खियों के इंतजार में हैं, लेकिन इन सब के बीच बंगाल की सियासत में बड़े सूरमा सियासी तौर पर बनकर उभरे हैं अभिषेक बनर्जी।
आज बंगाल की सियासत में सबसे बड़े कैरेक्टर के तौर पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी उभरे हैं। इसे आप सिक्के के दो पहलू की तरह समझ सकते हैं। पहला पहलू बंगाल की लोकप्रिय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे का है, जो पार्टी में अगली पीढ़ी के नेता हैं, या यूं समझिए कि ममता बनर्जी के वारिस हैं। तो दूसरा पहलू है महज 33 साल के अभिषेक बनर्जी का सियासी रसूख पार्टी के अंदर बगावत की वजह बना, तो वंशवाद के नाम पर ममता को घेरने के लिए बीजेपी इसी नाम का इस्तेमाल करती है। अगर बीजेपी की चुनावी मशीनरी बंगाल में फुल एक्टिव है, तो बीजेपी को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी फ्रंट फुट पर है, जबकि रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे। अगर ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बताकर लड़ा जा रहा है, तो बीजेपी के हर सियासी वार के पीछे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक हैं। जुबान पर नाम कटमनी कल्चर का है, लेकिन इशारा सीधे बुआ और भतीजे पर है। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। बंगाल चुनाव की पूरी लड़ाई पर्सनल अटैक तक पहुंच गई है। 18 फरवरी को जब अमित शाह बंगाल दौरे पर थे, तो निशाना अभिषेक बनर्जी थे। बीजेपी ने हमला किया तो ममता ने पलटवार किया। एमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास। दीदी और भातीजा बोलते हैं, तब अभी चैलेंज कर अमित शाह के फर्स्ट यू कॉन्टेस्ट उथ अभिषेक बनर्जी एंड टेल द नेम। बीजेपी सिर्फ अभिषेक बनर्जी पर हमला नहीं बोल रही, अब ममता के पूरे परिवार पर आरोपों के बाण दागे जा रहे हैं। कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा को पूछताछ का नोटिस भेजा गया, तो बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने तो ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी रुजीरा पर थाईलैंड की नागरिक होते हुए एफिडेविट में गलत जानकारी देने का आरोप लगा दिया। अभिषेक बनर्जी का बयान है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी जन्म लग्न से थाई नागरिक है। वही अभिषेक बनर्जी अपने एफिडेविट में उनकी मैडम ने जो कंपनियों में मालिक हैं, लिप्स एंड माउंड इस तरह के बहुत सारी कंपनियों में, वहाँ उन्होंने कहा कि वो इंडियन सिटीजन है। मेरा प्रश्न यही है कि भाई अभिषेक बनर्जी सही बोल रहे हैं कि उनकी पत्नी सही बोल रही है। बीजेपी के इस आरोप पर अभिषेक बनर्जी ने सीधा जवाब दिया। আমার বউ জন্মগত থেকে জন্ম থেকে শুরু করে তার থাই পাসপোর্ট, এই না যে 5 বছর আগে থেকে হয়েছে, ফ্রম দা লাস্ট 34 ইয়ার্স শি ইজ হোল্ডিং থাই পাসপোর্ট। হোয়াট ইজ দা প্রবলেম? মমতা বনর্জি কে ভতিজে অভিষেক বনর্জি কি ঘেরেবন্দি পুরি হে। ইস বার ঘেরা উনকি পত্নী রুজিরা নরুলা কি ওয়জে সে হে। পহলা আরোপ সোনে কি তস্করি, দূসরা আরোপ কোয়লা ঘোটালা, তীসরা আরোপ নাগরিকতা পর ঝুট। আখির ক্যা হে রুজিরা কি নাগরিকতা কা বিবাদ, आप कुछ पॉइंट में समझिए। पॉइंट नंबर एक, बैंकॉक में जन्मी रुजीरा के पास थाई पासपोर्ट है। पॉइंट नंबर दो, रुजीरा ने कई दस्तावेज में खुद को भारतीय नागरिक बताया। पॉइंट नंबर तीन, सोने की तस्करी के आरोप के बाद सामने आया नागरिकता विवाद। पॉइंट नंबर चार, गृह मंत्रालय ने 2019 में पैन कार्ड पर नागरिकता छिपाने का नोटिस भेजा। पॉइंट नंबर पांच, नोटिस में रुजिरा के पिता के नाम में अंतर का भी जिक्र था। पॉइंट नंबर छह, थाई नागरिक रुजिरा को भारतीय दूतावास ने पीआईओ कार्ड जारी किया। पॉइंट नंबर सात, रुजिरा ने पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड में बदलने का आवेदन दिया। पॉइंट नंबर आठ, रुजिरा ने आवेदन में अभिषेक बनर्जी के साथ शादी का सर्टिफिकेट दिया था। पॉइंट नंबर नौ, रुजिरा ने 2013 में अपने पिता का नाम दुर्शरण सिंह आहूजा बताया था। पॉइंट नंबर 10,
रुजिरा ने अपने पिता का एड्रेस राजौरी गार्डन दिल्ली बताया था। जाहिर है अब एक और कानूनी फंदे में रुजिरा फंस सकती है। ये फंदा अपनी नागरिकता और अपनी पर्सनल डिटेल छिपाने का है। ममता की घेरेबंदी के लिए बीजेपी को अब अभिषेक बनर्जी के साथ साथ उनकी पत्नी का मुद्दा मिल गया। अब बीजेपी बंगाल में असल परिवर्तन की राह देख रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन बल्कि यहां कमल खिलाना इसलिए जरूरी है ताकि पश्चिम बंगाल की स्थिति में वो आसोल परिवर्तन आ सके जिसकी उम्मीद में आज हमारा नौजवान जी रहा है। बंगाल में बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के कैरेक्टर के इर्द गिर्द बुना है, लेकिन ममता के गढ़ में ये चुनावी रणनीति कितनी कारगर साबित होगी ये वक्त बताएगा। अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक। ममता बनर्जी एक जुझारू राजनेता हैं। कांटों भरे रास्ते पर चलकर उन्होंने सियासत का ताज अपने नाम किया, लेकिन अभिषेक बनर्जी को सियासत विरासत में मिली है। लेकिन बीते 10 सालों से यानी कि साल 2011 से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, और इन 10 सालों में अभिषेक बनर्जी ने ककहरा से लेकर बंगाल की राजनीति में खुद को स्थापित करने तक के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी और इस तरह से पश्चिम बंगाल में अपनी जगह बनाई। तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी जिसको बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी चुनौती दे रही है, लेकिन बीजेपी की चुनौती को चित करने की जिम्मेदारी पार्टी में नंबर दो अभिषेक बनर्जी के हाथों में है। ये अभिषेक बनर्जी का दिमाग है कि रणनीतिकार प्रशांत किशोर टीएमसी के चुनाव प्रचार की रूपरेखा खींच रहे हैं। 2011 से बंगाल के सत्ता प्रतिष्ठान में स्थापित ममता बनर्जी के लिए भतीजे अभिषेक के मायने क्या है? अभिषेक के ऊपर लग रहे आरोपों पर ममता बनर्जी ने आज तक के मंच पर बड़ा बयान दिया था। अगर आएगा तो क्या है, नरेंद्र मोदी का परिवार को हर आदमी को देखो तो कुथा किधर किधर में है, हम डेटा दे दू, हम देता नहीं है कि हम जेंटल है इसके लिए, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो दे देगा। तो क्या अमित शाह का लड़का क्रिकेट में नहीं गया? एक फिल्म स्टार का लड़का लड़की अगर फिल्म स्टार होता है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या होता है? इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा अगर इंडस्ट्री नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा? बंगाल के सियासत हकीकत ये भी है कि वो लोकप्रिय युवा नेता है। डायमंड हार्बर से दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। कम उम्र में राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी बन गए। अभिषेक भी बंगाल के फायर ब्रांड नेताओं में से एक है जो ममता बनर्जी की तरह सियासी विरोधियों पर जमकर बरसते हैं। आमी तो बोले छी আমার পিছনে ইডিসিবিআই লাগাতে হবে না, আমি এই মাটির সন্তান। যারা ইডিসিবিআই এর ভরে ভয়ে বিজেপিতে যাচ্ছে আর আমাকেও চমকাচ্ছ ইডিসিবিআই দিয়ে যে বিজেপিতে যাবে, আমার গলা কেটে দিলেও জয় বাংলা বেরোবে, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ বেরোবে। বিজেপি ভি মমতা ব্যানার্জি কে ভতিজে কে সিয়াসিকত কো জানতি হ্যায়। বঙ্গাল মে মমতা কে বাদ সবসে জ্যাদা র্যালিও কি ডিমান্ড ইন দিনো অভিষেক ব্যানার্জি কি হ্যায়। ইহি ওয়াজহ হ্যায় কি বিজেপি ममता के साथ साथ अभिषेक बनर्जी पर भी हमलावर है। आज तक ब्यूरो। अभी तो चुनावी तारीखों का ऐलान बाकी है, लेकिन इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप के गंभीर आरोप एक दूसरे पर लगाने में टीएमसी और बीजेपी के नेता ये चूक नहीं रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे आज प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में जाकर किस तरह से भरी है हुंकार। आप देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल की सियासत में अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन आपको बता दें हर रोज वहां की खबरें बड़ी बड़ी सुर्खियां बन रही हैं। इन सबके बीच टीएमसी और बीजेपी के नेताओं के अपने अपने दावे और वादे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपने चुनाव प्रचार को और ज्यादा रफ्तार दे दी है। हुगली में उनकी मौजूदगी थी, एक तरफ कोलकाता मेट्रो और दूसरी तमाम रेल परियोजनाओं का उनकी ओर से शिलान्यास लोकार्पण किया गया, उसके बारे में जिक्र किया गया, विकास की बातें की गई, तो चुन चुन कर
ममता बनर्जी और उनके परिवार पर निशाना भी साधा गया। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन बल्कि यहां कमल खिलाना इसलिए जरूरी है ताकि पश्चिम बंगाल की स्थिति में वो आसोल परिवर्तन आ सके जिसकी उम्मीद में आज हमारा नौजवान जी रहा है। बंगाल में परिवर्तन बीजेपी का नारा है, लेकिन अब इस नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई पहचान दे दी है। पश्चिम बंगाल ने सामान्य जन की सुनवाई करने वाली सरकार यहां नहीं बनती है। इसी स्थिति को बदलने के लिए आज पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, आर नय अन्याय आमरा आसल परिवर्तन चाहिए, आमरा आसल परिवर्तन चाहिए। अब की बार बंगाल की दीदी से प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार मुकाबला होगा, ये तो सबको पता था, लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले ही ऐसा संग्राम शुरू हो जाएगा, वो भी खुद प्रधानमंत्री मोदी इसकी शुरुआत कर देंगे, ऐसा अंदाजा नहीं था। निर्माण के लिए काम करेगी जिसमें यहाँ का इतिहास, यहाँ की संस्कृति दिनों दिन और मजबूत होगी। 10 साल पहले ममता बनर्जी लेफ्ट के 34 साल के शासन के खिलाफ परिवर्तन के नारे पर बंगाल की सत्ता में आई थी। मोदी अब बंगाल में असल परिवर्तन की बात तो कर ही रहे हैं, उन्होंने ममता के माँ माटी मानुष के सहारे ही उन पर हमला बोला है। आजादी से पहले बंगाल देश के अन्य राज्यों से बहुत आगे था, लेकिन जिन लोगों ने बंगाल पर राज किया उन्होंने बंगाल को आज इस हालत में पहुंचा दिया। माँ माटी मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बन करके खड़े हो गए हैं। कट कल्चर, सिंडिकेट राज, गुंडों को संरक्षण, तोलाबाजी, ये वो जुबानी बम हैं जिनके सहारे बीजेपी बंगाल में ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के इन आरोपों को आज अपनी बात का वजन भी दे दिया। आज के पश्चिम बंगाल में किराए पर, अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है, और ये ऐसे बदमाशी कर रहे हैं कि दोनों तरफ से कट लेते हैं। बिना सिंडिकेट की इजाजत के किराए पर बिल्डिंग भी नहीं ले सकते। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले में बंगाल की संस्कृति, बंगाल की धरोहर, बंगाल के इतिहास के हवाले भी आए। तुष्टिकरण की कथित राजनीति पर पीएम मोदी बंगाल की पिछली सभी सरकारों पर बरसे। मुझे बताया गया है कि वंदे मातरम भवन, जहां बंकिम चंद्र जी 5 साल रहे, कहते हैं कि वो तो बहुत बुरी हालत में है,
ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और इस अन्याय के पीछे बहुत बड़ी राजनीति भी है। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के चुनाव प्रचार की एक तरह से दिशा तय कर दी है, लेकिन संकेतों की राजनीति की माहिर ममता बनर्जी भी पहले से कमर कस के बैठी हैं। भारत माता की वंदे 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 वंदे। हुगली के जिस ग्राउंड से पीएम मोदी ने जनसभा की है, दो दिन बाद वहां ममता बनर्जी होंगी। हुगली से अनुपम के साथ इंद्रजीत, कोलकाता आज तक। बंगाल की सियासी लड़ाई को जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जिसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही है। बंगाल को लेकर बीजेपी कितनी गंभीर है, इसको इस बात से समझें कि बीते 30 दिनों में प्रधानमंत्री खुद 3 बार वहां पर जा चुके हैं। कुल मिलाकर स्थिति वहां की ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि 10 सालों से टीएमसी का जो राज चला रहा है उसको इस बार वो खाड़ फेंकेगी, ठीक वैसा ही जैसा कि 2019 के लोकसभा चुनावों में अपने प्रदर्शन के आधार पर किया। लेकिन क्या बीजेपी ऐसा कर पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बंगाल में बीजेपी की एक लहर तो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जादू तो है। लेकिन क्या यह माहौल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बंगाल की जमीन खिसका सकता है? 10 साल का उनका बंगाल का शासन छीन सकता है? चुनाव की घोषणा से पहले 30 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का 3 बार बंगाल आना यह ऐलान है कि इस बार नाक की लड़ाई है, बंगाल के लिए बीजेपी का करो या मरो का संग्राम है। लेकिन ममता भी अपने तेवरों में उतनी ही आक्रामक है। लेकिन हम लड़ रहे हैं बीजेपी का साथ, इसको हेटेड पॉलिटिकल पार्टी का खिलाफ में लड़ते हैं। ऐसा हेटेड पॉलिटिकल पार्टी हम नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मैंने भी बहुत सारे गवर्नमेंट देखा, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट मैंने कभी नहीं देखा कि दो आदमी देश चलाता है, चलाने दो क्या है, लेकिन सबको बोलता है आम जो कहेगा वही चलेगा। सबको ये बात समझना है कि वो लोगों ने जो बोलेगा वही हमका मानना है। अगर हम नहीं मानेंगे तो जब तक भी जाना चाहिए वो जा सकते हैं, इतना दूर तक। इसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। उसका एटीट्यूड है, उसका एटीट्यूड ही है सबको खत्म करने का लिए। 23 जनवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल आए थे, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का कार्यक्रम था। उस सरकारी कार्यक्रम में जय श्री राम की नारेबाजी के नाम पर ममता बनर्जी का सीधा गुस्सा फूटा था। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। 23 जनवरी के बाद 7 फरवरी को प्रधानमंत्री हल्दिया आए थे, तो उन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया था। लेकिन अब जब 22 फरवरी को पीएम हुगली आए, तो उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर तक कोलकाता मेट्रो के एक्सटेंशन को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ कुछ रेल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। लेकिन टीएमसी के नेता इस दावे के साथ मैदान में आ गए हैं कि ये तो ममता 2011 में ही शुरू कर चुकी हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया, आज पीएम ने दावा किया कि उन्होंने बंगाल में नए रेल रूट्स शुरू किए, झूठ है। ममता बनर्जी ने रेल मंत्री रहते हुए 25 फरवरी 2011 को इसका बजट आवंटित किया था। इस दावे के साथ टीएमसी ये बताने में जुटी है कि बंगाल के विकास को ममता बनर्जी प्राथमिकता देती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो ममता सरकार की दूसरी ही तस्वीर पेश करते हैं। हर घर जल पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा
1700 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम ये टीएमसी सरकार को दी, लेकिन इसमें से सिर्फ 609 करोड़ रुपये ही यहां की सरकार ने खर्च किया है, बाकी 1100 करोड़ रुपया यहां की सरकार दबा करके बैठ गई है सर। ये दिखाता है कि टीएमसी सरकार को गरीब की, पश्चिम बंगाल की बहनों बेटियों की जरा भी परवाह नहीं है। दोस्तों, क्या जो पानी के लिए तरस रही है वो बंगाल की बेटी है कि नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कभी परदेश कमाने जाने का मतलब कोलकाता कमाने जाना होता था, लेकिन अब पीएम के मुताबिक बंगाल में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। उन्होंने जूट फैक्ट्रियों के बंद होने की बात कही। पीएम के आरोपों को टीएमसी गलत बता रही है। উনি শিল্প সম্বন্ধে কিছু জানে না। হুগলি নদীর দুপাশ দিয়ে চটকল ছিল, এখনো আছে, যেগুলো বন্ধ হয়েছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে ব্রেথওয়েট, কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা। হিন্দুস্তান মোটরস বন্ধ হয়েছে, সেখানে গভর্নমেন্ট, সে তো গাড়ি চলছে না, বিক্রি হচ্ছে না, সে তো ন্যানো বন্ধ হয়ে গেছে নরেন্দ্র মোদীর রাজ্যে। এক ওর সিএম মমতা কা বঙ্গাল মডেল হ্যায় তো দূসরি ওর পিএম মোদী কা সোনার বাংলা কা সপনা হ্যায়। हिमांशु मिश्रा के साथ सूर्य अग्नि, कोलकाता आज तक। जिस बीजेपी ने 2016 में सिर्फ 3 सीटें जीती थी, वो बीजेपी इतनी ज्यादा आक्रामक है कि इस बार सत्ता की गद्दी तक वो पहुंच जाएगी, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्यों किया जा रहा है, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी को कोई भी चुनावी पंडित पश्चिम बंगाल में उतनी गंभीरता से नहीं लेता था, क्योंकि 16 में उसके पास विधानसभा की सिर्फ 3 सीटें थी। लेकिन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के बलबूते 42 में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर ली। हालांकि उस समय पीएम चुनने के लिए चुनाव था, इस बार सीएम चुनने के लिए चुनाव है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने प्रधानमंत्री के चेहरे को ही पश्चिम बंगाल में किया है आगे। आप ये जितना मोदी मोदी करते हैं ना, उतना ही किसी की नींद उड़ जाती है। जानते हैं ना कौन है वो? कौन है? स्पीड ब्रेकर, पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी कौन है? 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा था कि 23 मई दीदी गई, तो एक बार की ये लगा था कि हो सकता है कि ये सिर्फ चुनावी दावा ही हो। लेकिन नतीजों में बंगाल की 42 में से 18 सीटें जब बीजेपी के खाते में आईं, तो साबित हुआ कि पीएम का भरोसा यूं ही नहीं था। इसीलिए 2019 से पहले हाफ, 2021 में साफ का नारा लगाने वाली बंगाल बीजेपी के आक्रामक चुनावी रणनीतियों पर अब भी गंभीर हैं। 30 दिनों में बंगाल में पीएम के 3 दौरों के साथ साथ फरवरी के पहले हफ्ते से ही बीजेपी 5 परिवर्तन यात्राओं को हरी झंडी भी दिखा चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 दिनों में 2 बार बंगाल जाकर 2 रथ यात्राओं की शुरुआत की है। ये यात्राएं बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों से होकर गुजर रही हैं। बंगाल में परिवर्तन बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। बंगाल में मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, और अब तक तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही बंगाल में बीजेपी का चेहरा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में 17 चुनावी रैलियां की थीं। 2019 में सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही उनकी 17 से ज्यादा रैलियां हुई थीं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने हुगली में बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार का जो माहौल तय किया, उसमें एक खास बात यह है कि उन्होंने जय श्री राम का नारा नहीं लगवाया, बल्कि वंदे मातरम के नारे के जरिए उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भरा है। वंदे, वंदे, अनुपम के साथ इंद्रजीत कुंडू आज तक।
दिलचस्प है इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव। टीएमसी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां गायब हैं। कांग्रेस पार्टी के तो बड़े नेताओं का अभी तक एक भी दौरा पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ है, लेकिन आगे क्या होगा, इस चुनावी लड़ाई में कौन पड़ेगा किस पर भारी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।